गर्ग संहिता के श्रीमथुरा खंड में 19वें अध्याय में श्री कृष्ण का उद्धव के साथ ब्रज में प्रत्यागमन और जमुना तट पर गमों का उनके रथ को चारों ओर से घेर लेना, गोपों के साथ उनकी भेंट, नंदगांव से नंद राय जी एम यशोदा का गोपों एम गोपियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उनकी आवगाने के लिए निकलना तथा सबके साथ श्री कृष्ण का नंद नगर में प्रवेश। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके व्रज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकनी जाल मंडित स्वर्ण जड़ित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव जी के साथ आरूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण जमुना के मनोहर तट पर पहुँचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौवें चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गई। उन सबके स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूछ उठाकर रिधम्भा रही थी। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए हुए खड़ी थी। गौवें नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन जैसे बादल रथ अरुण और अश्वों सहित शरत काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौवों ने उन रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्री हरि उन सब गौवों के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्री हद से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौवों के समुदाय को उनके समीप गया देख श्री दामा आदि ब्रज बालक विस्मित होकर परस्पर कहने लगे, गौ बोले सखाओ उन सुवायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पत्र झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हैं तथा जो शत सूर्यों के समान शोभाशाली है, गौओं ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं साक्षात ब्रजराज नंदन स्वयं ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर वंदन वार का सब विस्तार कर रहे हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सब को आगे करके प्रेम विहल होकर अपने दोनों भुजाओं में भेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रु धारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। आहो इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विहल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ नहीं हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम साक्षात श्री हरि ने उन प्रेम आनंद से विहल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोपवल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भैरी मृदंग पटा आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा अर्थात खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ लेकर यशोदा के साथ श्री नंदराज आगवाने के लिए गए। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूंड में सोने की सांकल धारण किए मद उन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानु तुल्य तेजस्वी श्री वृष भानुवार अपनी रानी कलावती के साथ वहां पर आए। नंद उपनंद वृषभानु बूढ़े जवान और बालक गोप
पूर्ण मनोरथ होकर फूलों की हार, बांसुरी, गुंजा और मोर पंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए, हाथों में बंसी, बैंत और सींग धारण किए, बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिला कर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभ आगमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा श्यन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त होकर उन्होंने उन सब को अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुए नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ होकर श्रीधर के दर्शन के लिए आई। नृपेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा काम काज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां पर आ गई। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थी। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गऊ, मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेकर श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं को हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पूर्ववासिनी गोपांग ने आचार प्राप्त लावा अर्थात खील बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय हो ऐसा मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला तुम्हारा ये सखा उद्धव परम धन्य है क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। नृपेश्वर इस प्रकार मैंने श्री हरि के ब्रज में पुनरागमन का वृतांत तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्री हरि का ये विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है।